चुनावी प्रतिष्ठा बीजेपी और समाजवादी पार्टी दोनों की दांव पर है। अक्षय यादव चुनावी मैदान में है तो बीजेपी ने इस बार मौजूदा सांसद का टिकट काट करके नए प्रत्याशी को चुनावी मैदान में उतारा। ये समीकरण जनता के मन में क्या कुछ हासिल करते हैं, क्या कहती है जनता, मैं शुरुआत करूंगी, लेकिन शुरुआत एक भजन के साथ कर देते हैं। बताइए कौन सा भजन बजा रहे हैं? भारत माता की जय। अरे भारत देश हमारा हो राम सिया गोविंद राजे, भारत देश अरे गोविंद राजे गोपाल राजे गोविंद राजे गोपाल राजे, है प्राणों से प्यारा हो राम सिया गोविंद राजे, है प्राणों से प्यारा हो राम सिया गोविंद राजे। अरे गंगा यही है यमुना यही है गंगा अरे गंगा यही की पावन धारा हो राम जिया गोविंद राजे, सरयू की पावन धारा राम जिया गोविंद राजे। अरे भारत देश हमारा हो राम जिया गोविंद राजे, मथुरा यही है काशी यही है मथुरा यही है काशी, अरे मथुरा यही है काशी यही है मथुरा यही है काशी। अयोध्या धाम हमारा हो राम सिया गोविंद राजे, अयोध्या धाम हमारा हो राम एक और गोविंद राजे। अरे शक्ति यही है भक्ति यही है शक्ति यही है भक्ति यही है, और शक्ति यही है भक्ति शक्ति और भक्ति ये जो है किसके साथ नजर आती है देखना बहुत अहम है। खास मेहमानों का पैनल इस वक्त मेरे साथ है, अमित गुप्ता जी इस वक्त मेरे साथ मौजूद है बीजेपी से, हमारे साथ कासिम सिद्दीकी जी मौजूद है समाजवादी पार्टी से, बबलू सिंह हमारे साथ मौजूद है आएंगे वो इस वक्त हम उनका इंतजार कर रहे हैं, संदीप तिवारी जी हमारे साथ मौजूद है उनका भी इंतजार शायद हो रहा है, और हमारे साथ इस वक्त आपको बता दें मयंक भटनागर है आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। मैं इस डिबेट की शुरुआत करूं लेकिन उसके पहले फिरोजाबाद में किस तरीके से समीकरण बैठते हैं, क्योंकि कहा जाता है फिरोजाबाद के लिए कि यहां की जो जनता है जिसे चुनती है अपने मन में बिठाती है, लेकिन समाजवादी पार्टी का गढ़ भी कहा जाता है। ये समीकरण क्या है ये आपको बताएंगे, लेकिन शुरुआत इस रिपोर्ट के साथ। मैं ब्रज क्षेत्र के सभी देवी देवताओं को श्रद्धा पूर्वक प्रणाम करता हूं। पश्चिमी यूपी की फिरोजाबाद लोकसभा सीट अपनी चूड़ियों के लिए दुनिया भर में मशहूर है, लेकिन इन चूड़ियों की सियासी खनखनाहट किसे ताज पहनाएगी और कौन खाली हाथ रह जाएगा ये तो 4 जून की तारीख ही बताएगी। लेकिन सभी राजनीतिक दल अपनी जान फूंकने में लगे। फिरोजाबाद से महज 45 किलोमीटर दूर प्रधानमंत्री मोदी भी आगरा पहुंचे। राधे राधे। प्रधानमंत्री के मुख से निकले शब्द सिर्फ आगरा ही नहीं फिरोजाबाद लोकसभा सीट को भी प्रभावित करने वाले हैं। फिरोजाबाद समाजवादी पार्टी की परंपरागत सीट मानी जाती है, हालांकि पिछले लोकसभा चुनाव में यहां पर कमल खिला था, लेकिन इस बार फिरोजाबाद सीट का सियासी गणित 2019 से अलग है। तब अखिलेश से नाराज चाचा शिवपाल यादव ने सपा प्रत्याशी अक्षय यादव के वोट काटने का काम किया था। इसका नुकसान अक्षय को हुआ भी था और बीजेपी जीत गई थी, लेकिन 2024 में शिवपाल यादव ने सपा में वापसी कर बीजेपी की टेंशन बढ़ा दी है। यही कारण है कि फिरोजाबाद संसदीय सीट पर जीत हासिल करने के लिए बीजेपी को खून पसीना एक करना पड़ रहा है। मोदी ने आज पश्चिमी यूपी की मिट्टी से फिर से दो लड़कों की जोड़ी पर निशाना साधा और तुष्टीकरण की राजनीति करने का आरोप लगाया। जो दो लड़कों में दोस्ती है ना, इसका भी आधार ये तुष्टीकरण की राजनीति ही है। दोनों मिलकर पिछले दरवाजे से ओबीसी का हक छीनकर अपने वोट बैंक को मजबूत करने के लिए देना चाहते हैं। फिरोजाबाद लोकसभा सीट पर समाजवादी पार्टी की दूसरी पीढ़ी के नेता अक्षय यादव चुनावी मैदान में हैं। ऐसे में मोदी अखिलेश को घेरने से भी नहीं चूके। सपा को अपने परिवार के बाहर का एक भी यादव ऐसा नहीं मिला जिसे वो टिकट दे सके। सब जगह एक ही परिवार के सदस्यों को टिकट मिला है। फिरोजाबाद 2009 में अखिलेश यादव की जीत से ही सुर्खियों में आई थी, लेकिन दूसरे चरण की वोटिंग से पहले अखिलेश यादव ने कन्नौज से चुनाव लड़ने के लिए नामांकन किया। दूसरी तरफ योगी हैं,
जो अपराध मुक्त प्रदेश के संकल्प के साथ चुनाव प्रचार में जुटे हैं और इसी को आधार बनाकर अखिलेश पर हमला कर रहे हैं। एक माफिया मरा था, उस माफिया के लिए फातिया पड़ने के लिए समाजवादी पार्टी के लोग कैसे विधवा विलाप कर रहे थे, यह भी दृश्य आपने देखा होगा। पिछली बार चाचा भतीजे की लड़ाई में बाजी बीजेपी मार ले गई थी, लेकिन इस बार के सियासी समीकरण 2019 से अलग है और देखना यह होगा कि फिरोजाबाद का रण आखिर कौन जीतेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इस वक्त आपको बता दें मेरे साथ महिलाएं भी मौजूद हैं और हमारे साथ इस वक्त आपको बता दें जो खास मेहमानों का पैनल है, नीरज यादव समाजवादी पार्टी से हमारे साथ हैं। एक बार फिर से मैं स्वागत करूंगी और जोरदार तालियों से स्वागत कर दीजिए। कांग्रेस से हमारे साथ संदीप तिवारी जी, एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूं। बीजेपी से अमित गुप्ता जी हमारे साथ मौजूद हैं और वहीं हमारे साथ इस वक्त आपको बता दें राजनीतिक विश्लेषक भी जुड़ चुके हैं, डॉक्टर मयंक भटनागर हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। महिलाओं से मैं शुरुआत करती हूं क्योंकि शक्ति कहे कि हर जगह पूजी जाती है, शक्ति किस तरह से खुद को शक्तिशाली महसूस कर रही है फिरोजाबाद में खास? फिरोजाबाद में क्या पूरे देश में ही शक्ति अपने आप को शक्तिशाली महसूस करी, क्योंकि एक तो योजना राशन की आई है जिसमें महिलाओं को फर्स्ट दिया गया है, दूसरा 33% आरक्षण की बात हो रही है, तो ये सभी महिलाओं के लिए शक्ति की बात है। आप कितनी सुरक्षित महसूस करते हैं उत्तर प्रदेश? बहुत सुरक्षित महसूस करते हैं जब से योगी जी मोदी जी आए हैं। अकेले निकलने में बड़ा अच्छा लगता है, पहले तो बहुत डर लगता था, अब तो अच्छे से निकल जाते हैं। सुरक्षा तो है ही, आज हम 8 बजे यहाँ मैदान में खड़े हैं, लेकिन महिलाओं के लिए सुरक्षा होती ही नहीं थी। आज हम 9 बजे घर पहुंचेंगे, आप देखो कितनी बड़ी बात है। आज ये योगी मोदी की सरकार है, आज महिलाएं बहुत खूबी रोड पर चल रही हैं, 10 बजे अपने घर पहुंचेंगी। योगी जी जब से आए हैं तब से यहाँ फिरोजाबाद में औरतें अपने आप को इतना सुरक्षित महसूस कर रही हैं कि पहले वो गली चौबारों से निकलना नहीं चाहती थी, अब तो वो रात के 9-9, 10-10 बजे घर से बाहर निकल। कानून व्यवस्था मजबूत? देखिए जिस जगह पर जिस स्थान पर हम खड़े हुए हैं, यहाँ आपको शाम को 5 बजे कोई महिला क्या पुरुष भी नहीं निकल पाता था, आज हम यहाँ से कहीं से आते हैं बाहर से तो 12 बजे भी निकल सकते, बेधड़क ना आगे देखते ना पीछे देखते थे। पहले यहाँ से बड़े बूढ़े भी नहीं निकल पाते, जो जेंट्स होते थे वो कहते थे बेटियां साथ हो तो वहां से ले चलो, पता नहीं बेटियों का क्या हाल होगा, ये स्थिति थी। मैं प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगी कि उन्होंने महिलाओं को सुरक्षित माहौल प्रोवाइड कराया और महिलाओं की शिक्षा पर भी ध्यान दिया, कन्या सुकन्या योजना, अन्य योजनाएं और वृद्ध महिला आम योजनाओं से यहाँ पर जो महिलाएं वो संतुष्ट हैं, सबसे बड़ी बहुत बड़ा विषय कानून व्यवस्था है जिसको लेकर के यहाँ फिरोजाबाद की जनता कह रही है कि हम आप खुद को सुरक्षित महसूस करते हैं, आप इधर बताएं। पहले मैडम मैं ये कहना चाहती हूँ कि इस प्रोग्राम की जो आपने शुरुआत की थी मैडम, आप सवाल क्या है आप मुझे बताएं, सवाल क्या है? जैसा कि सभी लोग कहते हैं कि मोदी जी और योगी जी के राज महिलाएं सेफ हैं, तो मणिपुर में भी मोदी जी के यहाँ सुरक्षित है? एक मिनट, मैं फैजाबाद में हूँ, फैजाबाद के मुद्दे क्या है एक महिला के लिए? फिरोजाबाद में एक महिला के मुद्दे क्या है? फिरोजाबाद में भी, फिरोजाबाद